गुड मॉर्निंग ऑल एवरीवन प्लीज चेक साउंड साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी चेक कीजिएगा विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग होमवर्क जी हाँ गुड मॉर्निंग ऑल जो लोग लाइव जुड़ गए हैं जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा आई होप आप लोगों ने होमवर्क किया रहेगा यस सर ऑल क्लियर ओके फ्रेंड्स इन द लास्ट लेक्चर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था आई गेस क्वेश्चन नंबर थ्री वॉज फॉर होमवर्क राइट फ्रेंड्स अगर वो होमवर्क आपने कंप्लीट किया रहेगा तो जल्दी से बताइएगा आपका आंसर क्या आया था उसका अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया था तो आपका आंसर क्या आया था जल्दी से आप आंसर दीजिएगा ओके सर फटाफट से आंसर दीजिएगा लेट चेक कितने लोगों ने बराबर किया है 82,000 का प्रॉफिट है क्वेश्चन नंबर थ्री था 82,000 का प्रॉफिट है ठीक है सेल्स कोई बता रहा है 72,006 का चलिए जिन लोगों ने कंप्लीट किया है बाकी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट फड़ से अगर आपने होमवर्क कंप्लीट किया रहेगा प्रॉफिट एटी टू थाउजेंड आ रहा है और सेल्स आ रहा है फोर लैख टेन थाउजेंड ओके जल्दी जल्दी जिन लोगों ने सॉल्व किया आंसर देते रहिएगा एंड चलो आज तो मैं टॉलोरेट कर रहा हूँ काफी सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया है नेक्स्ट टाइम से टॉलरेट नहीं हुएगा यूल हैव टू डू होमवर्क एक क्वेश्चन तो सिंपल आपको दिया था सेल्स फोर लैख टेन थाउजेंड प्रॉफिट इज एटी टू थाउजेंड फोर लैख टेन थाउजेंड प्रॉफिट इज एटी टू थाउजेंड पर यूनिट का जो है वो फोर्टी रुपीज ठीक है वेरी गुड Okay. बिंदु आंसर दिया है आशिका जी इन्होंने आंसर दिया है प्रॉफिट पर यूनिट कितना है लेट चेक देखते कितने लोगों ने बराबर किया है ओके uh, मुक्ता जी इनका आंसर है एटी टू थाउजेंड का सेल्स uh, से आपका फोर लैख टेन थाउजेंड का और पर यूनिट है फोर्टी रुपीज ठीक है लेट चेक दैट आंसर ओके मैंने कल ही डिस्कस किया था आपको जो मटेरियल का कॉस्ट दिया था वो पर यूनिट दिया था आपको जो लेबर का कॉस्ट दिया था वो पर यूनिट दिया था आपने सबसे पहले तो वो प्रोडक्शन का क्वांटिटी फाइंड किया सो so, आपने एक वर्किंग नोट दिया रहेगा नीचे या फिर ऊपर जहां पे भी आपको वो पॉसिबल था आपने एक वर्किंग नोट दिया था वर्किंग नोट नंबर वन प्रोडक्शन की क्वांटिटी सेल क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये था आपका प्रोडक्शन का क्वांटिटी टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी का आपका सेल था ओके टू हंड्रेड एंड फिफ्टी का आपका क्लोजिंग स्टॉक था फाइव हंड्रेड आपका ओपनिंग स्टॉक था तो आपने 10,000 थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस किए ठीक है।, है? फिर जो मटेरियल का कॉस्ट था, मटीरियल यूनिट्स इंटू 13, लेबर का टेन था इंटू सेवन पॉइंट फाइव आपका जो डायरेक्ट uh, एक्सपेंसिस में नहीं दिया था वो आता है ट्वेंटी फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया था एक बार चेक कर लेते हैं फैक्ट्री ओवर लेबर कॉस्ट ठीक है तो लेबर का सिक्सटी परसेंट लिया हम लोगों ने सेवेंटी थाउजेंड था वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट आप लोगों ने कंसिडर किया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट था आपका टू लैक थाउजेंड आया आपका फैक्ट्री uh, ओवर uh, आया या फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट एज ओपनिंग डब्ल्यू पी एंड वर्किंग प्रोग्रेस दिया नहीं था तो डायरेक्टली आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का दस हजार से डिवाइड किया आपका आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव देन ऑफिस ओवर कितना दिया था वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया ऑफिस ओवरहेड जो था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट तो ये फैक्ट्री रिलेटेड था इसलिए वो हमने ऊपर कंसीडर किया तो टू का तो तो ट्वेंटी में दिया गया था फाइव हंड्रेड यूनिट इंटू नाइनटीन पॉइंट सेवन आगे सो आपनेड्स नाइन पॉइंट नाइन एट सेवन फाइव आपका आंसर आ गया नेक्स्ट पॉइंट आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो जल्दी से बताइएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड प्रोडक्शन की कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो प्रोडक्शन का कॉस्ट है आपका थ्री लैक्स प्रोडक्शन की क्वांटिटी आपकी थी टेन थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपकी टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो 7500 आपका क्लोजिंग स्टॉक है कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अगर आप पर यूनिट डेटा कंसीडर कर रहे हो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्लू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसके पर यूनिट के कॉलम में आपको डैश कसिडर करना है ठीक है तो यह आगे आपका सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल थ्री लैक टू थाउजेंड थ्री सेवन फाइव ओके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर जितना क्वांटिटी बेचा उस पर डिपेंडेंट था टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आप लोगों ने सेल किया टू पॉइंट फाइव से मट्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया पर यूनिट 2.5 था तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया आपका टू आपने प्रॉफिट अर्न किया ट्वेंटी चार लाख दस हजार का आपका सेल आ रहा है एंड पर यूनिट का सेलिंग प्राइस आया फोर्टी पर यूनिट का जो आपका प्रॉफिट आया एट पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है आपका थर्टी टू ओके आई गेस मैक्सिमम स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है अब uh, यह आंसर आपके सामने है Uh, अगर कुछ डाउट्स है तो जल्दी से पूछिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अगर आपको कुछ डाउट है अगर आपका कोई प्रॉब्लम है ये प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया है जल्दी जल्दी से डाउट पूछिएगा। आई हैव ओनली थ्री मिनट्स टू डिस्कस दैट जल्दी से अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आपका कुछ गलती हुआ है या फिर आपको आपका गलती समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ठीक है तो जल्दी से आप मुझे मैसेज कीजिएगा आई यहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा आई एंसर दैट फटाफट से जल्दी फ्रेंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आज काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है क्योंकि अभी फॉर्मेट आपको आ गया है चलिए आई गेस कोई डाउट तो नहीं पूछ रहा है hmm. अतुल जी अतुल आप अभी ज्वाइन हुए हो अतिल, अतुल अतुल आशीर्वाद जी आज आपका अगर फर्स्ट लेक्चर है तो प्लीज आप पहले प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा ठीक है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ना बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था और क्वेश्चशीट हमारा एक लेक्चर हो गया है ओके दो लेक्चर आई गेस क्वेश्चनशीट का हमारा हो गया है तो अगर आज बीच में से आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा लेकिन अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगे चलेगा अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा फटाफट से सर सेल्स पर यूनिट 41 आ रहा है फोर्टी 41 आ रहा है आप गलती कैसे कर सकते हो रजनी जी सेल्स पर यूनिट 41 कैसे आएगा क्या आपने 10000 यूनिट्स बेचा रजनी जी आपने 10000 यूनिट्स बेचा या 10 250 बेचा यह गलती कैसे हो गया सेल्स लेते वक्त प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैसे लिया आपने सेल्स लेते वक्त आपको सेल्स की क्वांटिटी कंसिडर करनी है सेल्स की क्वांटिटी इज टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो फोर लैक टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी आंसर आपका फोर्टी रुपीज आ रहा है अगेंस्ट आपका डाउट सॉल्व हुआ रहेगा आपका क्वेरी सॉल्व हुआ रहेगा ओके चलेगा और कुछ डाउट है तो पूछिएगा इज देर एनी अदर डाउट फटाफट से अगर डाउट नहीं तो आई विड आपके सामने आंसर है जिन्होंने आंसर नहीं किया है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है ठीक है आप एटलीस्ट इसका फोटो ले लीजिएगा और बाद में कंप्लीट करो चलो या फिर वो लेक्चर आप बाद में देख सकते हो बिल्कुल और कुछ कितने लोगों ने बराबर किया है फटाफट बताओ कितने लोगों ने आंसर करेक्ट लाया है हाथ ऊपर कीजिएगा कितने लोगों ने आंसर करेक्ट आया कितने लोगों का बराबर आया है कितने लोगों का आंसर बराबर आया फटाफट आंसर देते रहिएगा जिन लोगों ने करेक्ट किया है फटाफट आंसर देते रहिएगा ओके करेक्ट 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 हाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है फ्रेंड्स uh, ऐसा नहीं चलेगा बाकी अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया है ठीक है फारूक जी ने भी बराबर किया है फ्रेंड्स आपको ये खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा सो so दैट आप कुछ डाउट पूछ सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है तो लेकिन ये नहीं चलेगा कि होमवर्क नहीं किया ठीक है द्युमन भी बोल रहे करेक्ट किया है ठीक है तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है प्लीज एटलीस्ट मैं एक आधा क्वेश्चन तो भी होमवर्क देता हूं सो so दैट घर पे आप कंटिन्यूटी रहे टच में रहे तो प्लीज आप ये होमवर्क कंप्लीट करते रहिएगा ऐसा नहीं चलेगा फ्रेंड्स सिली मिस्टेक हुआ ठीक है ना तो ये कब पता चलेगा आप खुद से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा दैट्स वाई आपको कुछ होमवर्क देता हूं वो आपने कंप्लीट करना चाहिए कोई बात नहीं है अगली बार नहीं होना चाहिए मिस्टेक चलिएगा विद दिस लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट आइएगा सब लोग क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में uh, मैंने ऑलरेडी आपने कल के लेक्चर में ही ये डाउनलोड किया रहेगा नोट्स चलिएगा फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट जी हाँ अब uh, आप चेक कीजिएगा आपको क्या पूछा है स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट जी हां सर जी स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट यहां पे आपको पर यूनिट नहीं पूछा है यहां पे आपको टोटल पूछा है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब एक पर यूनिट का कॉलम आपने नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन अच्छा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक दिया है क्लोजिंग स्टॉक दिया है फर्स्ट टेबल में रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यू डब्ल्यू आई पी का मटेरियल वेजेस वर्क ओवरहेड फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक टू हंड्रेड यूनिट एटी फोर क्लोजिंग स्टॉक दिया है ठीक है इसके बाद हैल इज वन लैख नाइनटी थाउजेंड कैरेज ऑन परचे थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल इज फाइव ओके ओके वेजेस है टू लैख नाइनटी सेवन थाउजेंड का फैक्ट्री ओवरहेड सिक्सटी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्वेल्व पर यूनिट प्रोड्यूस चलो जल्दी से चलो जल्दी से बता दीजिएगा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये प्रोडक्शन रिलेटेड है या फिर सेल्स के रिलेटेड है फटाफट से आंसर देते रहिएगा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये प्रोडक्शन के रिलेटेड है या सेल्स के रिलेटेड है जी वेटिंग फॉर योर आंसर प्रोडक्शन रिलेटेड है या सेल्स रिलेटेड है दीपिका जी दीपिका जी बोल रहे ये प्रोडक्शन रिलेटेड है वेरी गुड कैसे पता चला प्रोडक्शन रिलेटेड है कैसे पता चला प्रोडक्शन रिलेटेड है क्योंकि वहां पे दिया है ट्वेल्व पर यूनिट प्रोड्यूस्ड ट्वेल्व पर यूनिट प्रोड्यूस सो इट्स डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन सेलिंग ओवर एड ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग ओवर एड इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ठीक है इसके बाद आपको सेल्स दिया है सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यूनिट एट अ प्रॉफिट ऑफ टेन परसेंट ऑन सेल्स प्राइस जी हाँ बराबर आंसर दे रहे हो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है ठीक है फ्रेंड्स सेलिंग ओवर 20% ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट टेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस ठीक है ना तो ये क्वेश्चन में सेल्स ओवरहेड का अमाउंट नहीं दिया है सेल्स ओवरहेड आपका सेल्स पे डिपेंडेंट है प्रॉफिट भी आपका सेल्स पे डिपेंडेंट है ठीक है तो आपको कुछ फॉर्मूला से जुगाड़ करना पड़ेगा मैं नहीं बताऊंगा पहले मुझे वो चैम स्टूडेंट चाहिए जो इसका आंसर देगा अब आप कहां पे अटकेंगे रफ पेजिस निकालो चलो अब आप लोग कहां पे अटकेंगे मुझे वर्किंग प्रोग्रेस का है ना ये जो पैराग्राफ है ये समझ में नहीं आ रहा वर्किंग प्रोग्रेस का ये पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस दिया है फिर मटेरियल दिया है वेजेस दिया है और ओवरहेड दिया है और नीचे भी मटेरियल दिया है वेजेस दिया है ओवरहेड दिया है सो आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट ये क्या है और ये क्या है चलो कोई चैम स्टूडेंट मेरी हेल्प कर दे मुझे इंटरप्रिट करने में हेल्प कर दे कि ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कोई चैम स्टूडेंट मुझे हेल्प कर दे ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है जिसमें मटेरियल अलग दिया है वेजेस अलग दिया है और वर्क्स ओवरहेड अलग दिया है और नीचे बी सी डी ये एडजस्टमेंट में भी मटेरियल दिया है वेजेस दिया है और ओवरहेड दिया है अच्छा तो कोई मुझे बताए कि वर्किंग प्रोग्रेस की अमाउंट कितनी है ये बता दीजिएगा चलो अच्छा ये सारे वर्किंग प्रोग्रेस का ओपनिंग अमाउंट प्रोग्रेस का क्लोजिंग अमाउंट है शायद ऐसा कुछ आप बोल रहे हो यानी क्या आपको इसकी टोटल लेनी है क्या क्या आपको इसका टोटल लेना है क्या एक बार चेक कीजिएगा जी हाँ अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है वेरी गुड ओके देखिए इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्किंग प्रोग्रेस का बाइफर्केशन दिया कि वर्किंग प्रोग्रेस में मटेरियल कितना लगा है लेबर कितना लगा है और ओवरहेड्स कितना लगा है कल का अगर आपको डिस्कशन याद आ रहा है या फिर एक लेक्चर पहले का मैंने आपको बोला था कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस रहता है तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या इंक्लूड होएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर वाले सारे आइटम इंक्लूड होएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर कौन से कौन से आइटम रहते हैं मटेरियल रहता है वेजेस रहता है एंड ओवरहेड रहता है तो इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल लेबर और ओवरहेड ये अलग अलग दिया हुआ है तो आपको कोई टेंशन नहीं इसका टोटल लेना है कितना आया ओपनिंग स्टॉक का टोटल एन got the टोटल ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड कुछ लोग बता रहे हैं ओके थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ले लिया सर थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड कुछ लोग बोल रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल है थर्टी क्लोजिंग स्टॉक थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड इज योर क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा ये कंसेप्ट ठीक है अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा रफ में चैंपियन स्टूडेंट रहेगा जो मुझे बताएगा सेल्स कितना है प्रॉफिट कितना है रैंक मटेरियल स्टूडेंट रहेगा जो बताएगा मुझे फाइनल आंसर कि सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना है क्योंकि सेलिंग ओवरहेड नहीं दिया है वो आपको सेलिंग ओवर सेल्स पे डिपेंडेंट है प्रॉफिट नहीं दिया है वो आपको सेल्स पे डिपेंडेंट है तो मुझे ये चेक करना है कितने लोग एंड तक जाते हैं और आंसर लेके आते हैं आपका टाइम स्टार्ट हो गया है आई वेट फॉर नेक्स्ट फाइव सिक्स मिनट्स। अब ये आपको बताने का जरूरत नहीं है कि ये मटेरियल का क्या करने का है वन लैख नाइनटी थाउजेंड का आपने किया कैरेज ऑन यानी कैरेज इनवर्ड क्या करना अपने पास है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ क्या बोला है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ क्या बोला है मटेरियल ठीक है तो ये ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट सीखा हुआ है मटेरियल का स्क्रैप कहां से लेस करना ये आपको पता है ठीक है कैरेज इनवर्ड कहां पे कंसीडर करना ये हमें पता है ठीक है मटेरियल परचेस का क्या करना ये हमें पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल का क्या करना वी नो दैट एग्जैक्टली चलिएगा अल वेट फॉर अब ये मैं नहीं बताऊंगा सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला है फाइव थाउजेंड का स्क्रैप हुआ है मटेरियल मटेरियल बोला है बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये मटेरियल में कंसिडर होगा स्क्रैप या फिर नीचे प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त वो क्रेडिट फॉर रिकवरीज लेस करना है अब ये आपको सोचना है मैं नहीं बताऊंगा अल्बेट फॉर नेक्स्ट फाइव मिनट्स जल्दी से आप आंसर दीजिएगा और चैंपियन स्टूडेंट रहेगा जो ये आंसर देगा सेल्स कितना है प्रॉफिट कितना है पूरा जोर लगा दीजिएगा खुंखार क्वेश्चन है काफी सारे नए एडजस्टमेंट सीखेंगे ये क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट सीखा है हमने वर्किंग प्रोग्रेस का अगर बाइफर्केशन दिया है अलग अलग से तो टोटल देके वो वर्किंग प्रोग्रेस है चलेगा लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सोल दिस I'll wait for next 4 minutes. I'll wait for next three minutes. Rough में आप solve कर रहे हो As I already told you, आपको uh, rough में pages वगैरह साथ में रखना है हर एक क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे देन आई एम गोइंग टू that. दैट चैट बॉक्स में आंसर बताते जाइएगा अगर आपका किसी का भी आंसर आता है तो प्लीज लेट मी नो दैट पर यूनिट का कॉलम कंसीडर नहीं करेंगे वी नीड टू टेक ओनली टोटल ये क्वेश्चन अलग है यहाँ पे आपको टोटल आपको पूछा हुआ है सो नो नीड टू टेक पर यूनिट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब फॉर प्रैक्टिस एक्चुअल में जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए पर यूनिट लेंगे लेकिन पर यूनिट अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको एक्सप्लेन करना है चले आई वेट फॉर नेक्स्ट टू मिनट्स और ये मैं हिंट भी आपको दे देता हूं कि जो सेल ऑफ सेलिंग ओवरहेड है या प्रॉफिट है या सेल्स है उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला जुगाड़ करना पड़ेगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई अरे कोई है कोई आंसर दे रहा है कोई है चैम स्टूडेंट आप में से जो मुझे ये आंसर दे दे सेलिंग ओवर कितना है टोटल सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना है कोई है चैम स्टूडेंट आप में से जो दिमाग लगा सकता है खुद से last one minute i'll wait for last one minute any answer anyone यस सर फ्रेंड्स टाइम अप किसी को आंसर देना है या आई शुड गिव वन मोर मिनट आ रहा है कुछ जुगाड़ कर पा रहे हो कुछ तो मैसेज करो कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है आपका एक आंसर आया है सेल्स इज एट सेवेंटी टू थ्री थर्टी नाइन और पक्का रॉन्ग है वो खुद ही बता रहे हो एटी वन नाइन हंड्रेड एंड थर्टी ये सेलिंग ओवर आ रहा है किसी का ठीक है गलत है एनी अदर आंसर एनी वॉन्ट्स टू गिव आंसर एनीवन वांट्स टू गिव आंसर टोटल सेल्स इज फोर लैक्स टोटल सेल्स इज फोर फोर्टी थ्री वन सेवेंटी वन नो गलत है सेल्स इज सिक्स लैक्स समथिंग सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव सेवेंटी नो गलत है बहुत कम आ रहा है बढ़ाओ बढ़ाओ सेल बढ़ाओ थोड़ा फोर लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड वन सेवेंटी वन गलत है सिक्स लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइव सेवेंटी गलत है एट लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू सेवेंटी थ्री गलत है चलो बाकी जो लोग हैं आंसर देते रहिएगा प्रॉफिट सिक्सटी टू थाउजेंड फिफ्टी सेवन गलत है बहुत ही कम अमाउंट है प्रॉफिट का आपका कोई है और चैम स्टूडेंट यस यस बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स आने वाले है हिला दिया ये सबने बराबर है जगा दिया आपको नींद में से ये सबने चलिएगा चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट इज फाइव लैख या फाइव लैख सिक्स थाउजेंड नाइनटी ना 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 बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ये Guess, कोई टेंशन नहीं है चलिएगा स्टार्ट करते हैं सेल प्राइस पर यूनिट इज 93 नहीं गलत है ये आई गेस गलत है चलेगा सर स्टार्ट करते हैं राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट फटाफट लिखो अभी स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेल सेवन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड गलत है राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर्टिकुलर टोटल एंड पर यूनिट आई नो पर यूनिट पूछा नहीं है अब पर यूनिट आप वर्कआउट करेंगे मुझे देखना है आप बराबर करते हो क्या क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने पर यूनिट का डेटा पिछले क्वेश्चन में गलत किया था अगे तो पर यूनिट पूछा नहीं फिर भी फॉर अ प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू वर्कआउट दैट प्रॉफिट इज वन लैक नाइन थाउजेंड थ्री नाइनटी थ्री नहीं सेल इज वन लैक नाइन थाउजेंड थ्री नाइनटी थ्री नहीं चलेगा सर स्टार्ट करते हैं देखते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड जी हां सर जी मटेरियल कंज्यूम फटाफट से लिखिएगा अभी मटेरियल कंज्यूम है एडजस्टमेंट है ओपनिंग स्टॉक यू कैन चेक दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनर कॉलम में लिखा हमने एक टोटल का कॉलम लिया और एक पर यूनिट का भी कॉलम लिया और इनर कॉलम वो ड्रॉ नहीं किया तो भी चलता है ओके कुछ लोग बोल रहे वन लैक एटी थाउजेंड का प्रॉफिट uh, है मटेरियल कंज्यूम लैक एटी थाउजेंड ओके चेक करते हैं सो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें ऐड कर दिया हमने परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जी सर जी परचेसेज ड्यूरिंग द ईयर इज वन थाउजेंड इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे एड कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड कितने का है चेक कीजिएगा आई गेस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कैरेज इनवर्ड है लेस सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल हाइलाइट किया आपने मटेरियल का स्क्रैप था ये तो यहां से लेस किया मटेरियल का स्क्रैप है आपका फाइव थाउजेंड रुपीज लेस क्लोजिंग स्टॉक चलेगा ये क्वेश्चन में नया एडजस्टमेंट आया है प्लीज आप मार्क कीजिएगा ये नया एडजस्टमेंट कैरेज इनवर्ड एंड सेल ऑफ स्क्रैप जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये क्वेश्चन यूनिक बनाता है वो आपने इंपोर्टेंट मार्क कर लिया ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा कैरेज इनवर्ट को हाईलाइट किया और सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल को आपने हाईलाइट किया ओके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना लिखो बॉस आउटर कॉलम में कितना आ रहा है वन लाख एटी थाउजेंड आ रहा है एक बार आप चेक कर लीजिएगा आप पे भरोसा रख के मैं ये लिख रहा हूं वन लाख एटी थाउजेंड जी हाँ फ्रेंड्स uh, किसी ने प्रोडक्शन कैलकुलेट किया है क्या प्रोडक्शन का वर्किंग नोट दिया है प्रोडक्शन का वर्किंग नोट दिया है प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी वर्किंग नोट नंबर वन सेल क्वांटिटी एड क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी माइनस ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्शन लेट्स चेक दैट आपका जो सेल्स uh, क्वांटिटी है वो कितना है सेल्स क्वांटिटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एड क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ओपनिंग स्टॉक था आपका टू हंड्रेड तो आई गेस नाइन थाउजेंड आ गया आपका प्रोडक्शन की क्वांटिटी ओके नाइन थाउजेंड काफी सारे लोग बराबर बोल रहे हैं अंशिका जी पांच हजार प्रोडक्शन क्वांटिटी कैसे आया इट्स नाइन थाउजेंड सेल इज सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हंड्रेड तो आंसर नाइन थाउजेंड आता है ना कि फाइव थाउजेंड ऐसे कैसे मिस्टेक हो गया चलिए पर यूनिट डेटा बता दीजिएगा कितना आएगा वन लैख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय नाइन थाउजेंड आई गेस ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट आया चलिएगा नेट मटेरियल कंज्यूम आ गया आपका वन लैख एटी थाउजेंड का इसके बाद डायरेक्ट वेजेस इसके बाद आप कंसिडर कर रहे हो डायरेक्ट वेजेस टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का डायरेक्ट वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई गेस नहीं दिया हुआ है ठीक है तो ये डायरेक्टली यू कैन राइट हियर प्राइम कॉस्ट आंसर दो प्राइम कॉस्ट कितना है जल्दी से बताइएगा हाउ मच इज योर प्राइम कॉस्ट जल्दी पर यूनिट का आंसर आप देते रहिएगा पर यूनिट का भी आप साथ में आंसर देते रहिएगा जी हाँ प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है आपका फोर लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड ओकेट देर फोर लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड आई गेस फिफ्टी थ्री रुपीज आपका प्राइम कॉस्ट पर यूनिट है फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्राइम कॉस्ट में हम लोगों को एड करना है फैक्ट्री ओवर स्पीड बढ़ाओ थोड़ा फ्रेंड्स uh, फैक्ट्री ओवर कितना है सिक्सटी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट ठीक है सो so, इसका वर्किंग आई शो दैट सिक्सटी परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट और सिक्सटी परसेंट मल्टीप्लाई लेबर कॉस्ट इज टू सेवन थाउजेंड फटाफट से आंसर देते रहेगा टू लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी परसेंट वन सेवेंटी एट टू हंड्रेड बराबर है क्या एंड uh, डिवाइड करेंगे नाइन थाउजेंड से तो आपका आंसर आ गया नाइनटीन पॉइंट एट आई गेस फैक्ट्री ओडेड कितना आ रहा है चेक करो 19.8 बराबर ओके okay, चलेगा फैक्ट्री ओवर के बाद फ्रेंड्स हियर कंसीडर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस दिया है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट ग्रॉस वर्क कॉस्ट इसका टोटल लेना पड़ेगा किसी ने दिया है क्या फोर लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड प्लस वन एट टू हंड्रेड तो आई गेस लैक फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड इसको डिवाइड से तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया सेवेंटी टू पॉइंट एट जी हाँ अगर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है तो वो आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है नेट yeah, कनेक्शन का प्रॉब्लम है बाकी को बाकी लोगों को वो ब्लर नहीं दिख रहा है अगर नेट कनेक्शन स्लो होता है तो वो क्वालिटी थोड़ा कम होता है ब्लर होता है तो दुर्गा जी आप देखिए मत आप खुद से कर लेंगे आई नो दैट आई एम कॉन्फिडेंट आपको आ रहा है सब कुछ चलेगा 72.8 आ गया ओके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोगों ने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट था ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस में ये मटेरियल लेबर और ऐड करना था तो इनर कॉलम में दिखा दिया 13,600 प्लस 11,000 प्लस 600 6,600 ओके कितना आया था बॉस कुछ लोगों ने पहले आंसर दिया था मुझे कुछ लोगों ने पहले आंसर दिया था मुझे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बॉस ही ट्वेल्व थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल थाउजें प्लस सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मेरे सामने कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे वेरी गुड फ्रेंड थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड कॉपरेशन थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सो थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड आंसर आ गया डैश डैश अरे डैश डैश ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट में डैश डैश कुछ लोग मुझे अभी आगे का आंसर दे रहे वेरी गुड नेट फैक्ट्री कॉस्ट कुछ लोग मुझे आगे का आंसर दे रहे नेट फैक्ट्री कॉस्ट सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड बता रहे हैं सिक्स लाख फोर्टी एट थाउजेंड बता रहे हैं ठीक है सो पर यूनिट बता दीजिएगा कितना आया सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड बता रहे हैं बॉश तो पर यूनिट बता दीजिएगा कितना आया आई गेस सेवेंटी टू परफेक्ट है ना सेवेंटी टू वेरी गुड चलो आगे बढ़ रहे ओ माय गॉड शुभम जी हाँ शुभम मुंद्रा मुझे चैम स्टूडेंट मिल गया आपके बैच का शुभम मुंद्रा ने सेलिंग ओवर वन लैक एटी टू तो थाउजेंड फोर हंड्रेड मुंद्रा चैम पोवा साहब रैंक आएगा रैंक वेरी गुड आपने आंसर एकदम परफेक्ट दिया है चलिएगा नेक्स्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एड करेंगे आगे चलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आगे आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रेट जी हाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रेट कितना ट्वेल्व पर यूनिट प्रोड्यूस्ड बोला है सो प्रोडक्शन रिलेटेड है सो ट्वेल्व रुपीज मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों ने नाइन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस किया आपका आंसर आ गया वन लाख एट थाउजेंड ठीक है uh, सो so, ट्वेल्व रुपीज पर यूनिट आया आपका आंसर यस शुभम जी आई एम रियल इंप्रेस्ड जो जो ये लोग ये आंसर दे देते हैं, वो रैंक में आते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट लोग ये इसका आंसर दे पाते हैं ठीक है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जितने लोगों ने आंसर दिया था वो लोग ऑलमोस्ट रैंक आए था वेरी गुड चलेगा सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ये आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आ गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट एनी वन गॉट द आंसर फॉर दिस प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट चलो आंसर देते रहिएगा सिक्स लैख फोर्टी एट थाउजेंड प्लस वन लैख एट थाउजेंड आपका जो आंसर आ गया सेवन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एटी फोर पर यूनिट आया चलेगा सेवन लाइक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एंड एटी फोर आई डोंट थिंक सो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रहेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था टू हंड्रेड यूनिट्स एट एटी फोर टू हंड्रेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एटी फोर रूपीज 84 फोर yes. 200 टू हंड्रेड इंटू एटी फोर कितना आंसर आया टोटल कितना है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ओके पर यूनिट में डैश पर यूनिट में डैश लेस

डिवाइडेड by 9000 already ऑलरेडी अपने पास आंसर था 84 फोर मल्टीप्लाई बाई वन थाउजेंड लाख और पर यूनिट के कॉलम में डैश आपको कंसीडर करना पड़ेगा मालिक ये आ गया आपका सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जी हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट बता दीजिएगा कितना आया फट आंसर देते रहेगा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिक्स थर्टी एट फोर हंड्रेड ओके सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थैंक यू पर यूनिट वही आएगा एटी फोर अभी सर पहली बार ऐसे हुआ है ऊपर भी एटी फोर है और नीचे भी एटी फोर है पहली बार ऐसे हुआ है ऊपर भी 84 फोर है नीचे भी 84 है ऐसा क्यों हुआ कोई बता पाएगा ऐसा क्यों हुआ है कोई बता पाएगा फ्रेंड्स ऊपर भी 84 है नीचे भी 84 है कभी कभी ये चेंज होता है पिछले सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये चेंज हो गया था ऊपर कुछ और रहता है और नीचे कुछ और रहता है लेकिन यहां पे ऊपर भी 84 है और नीचे भी 84 है ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा ऊपर भी 84 है और नीचे भी 84 है हो गया और ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये मैच हुआ है परफेक्ट है आगे आंसर आगे आंसर मुक्ता जी ने आंसर दे दिया दुर्गा जी ने आंसर दे दिया राहुल जी ने आंसर दे दिया और इनका आंसर एकदम बराबर है वो बोल रहे सर करंट ईयर में प्रोडक्शन का कॉस्ट एटी है और ओपनिंग स्टॉक का भी एटी है ठीक है इसलिए एटी ये आपका आंसर आएगा वेरी गुड लोग वेरी गुड अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था इसके आगे के पॉइंट काफी लोग यहां तक तो पहुंच गए थे काफी लोग यहां तक तो पहुंच गए थे काफी लोग यहां तक पहुंच गए थे इसके आगे इनको दिक्कत आया एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर था वो सेल्स पे डिपेंडेंट है एक बार चेक करते हैं सेलिंग ओवररेड इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस ठीक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इसके बाद आएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स पता नहीं अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे देन कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करूंगा प्रॉफिट आई गेस टेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है ठीक है प्रॉफिट टेन परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है तो ये आएगा मेरा सेल्स अब मुझे ना प्रॉफिट कैलकुलेट करते आ रहा है ना मेरे पास सेल्स का फिगर है ना मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का फिगर है मैं अटक गया हूं लेकिन यहां पे इन्होंने एक जबरदस्त वर्डिंग यूज किया है सेलिंग ओवर एड ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स है प्रॉफिट इज टेन परसेंट ऑफ सेल्स है ठीक है तो एक जुगाड़ आपको करते आएगा ऐसे इक्वेशन आप बहुत सारे सॉल्व करते थे पहले तो ये इक्वेशन से आप आराम से सॉल्व करेंगे अब वो इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लेते हैं ये एक नया एडजस्टमेंट है मार्क दिस एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट मार्क दिस क्वेश्चन रिवीजन बिफोर एग्जाम ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क पहले कर लीजिएगा फिर जब आप रिवीजन स्टार्ट, स्टार्ट करेंगे अपने क्लासेस कंप्लीट होने के बाद तब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पहले आप मार्क करके रखिएगा okay. अब सब लोग यहां पे ध्यान दे जी हां सर अब सब लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा अब हमें एक इक्वेशन uh, प्रिपेयर करना है वो इक्वेशन क्या है देखते हैं फ्रेंड्स सेल्स कैसे आता है वो मैं लिख रहा हूं अब थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिएगा उसके बाद आप खुद से लिखिएगा गिव यू इनफाइम टू राइट आल गिव यू इनफाइम टू राइट फ्रेंड सेल्स कैसे आता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स तोड़ खुंखार एडजस्टमेंट है ठीक है कॉपी करना बंद कीजिएगा समझ लो उसके बाद आप कॉपी कर लेना बॉश जी हाँ सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर वाला स्टेप है तो कोई दिक्कत नहीं है देर फोर सेल्स इज इक्वल टू प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड प्लस प्रॉफिट बॉस आर यू एग्री विद दिस सिंपल स्टेटमेंट के साथ क्या आप एग्री करते हो क्या फ्रेंड्स अपना सेल्स का था कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है उसके ऊपर वाला स्टेप था तो सीओजीएस था तो सीओजीएस से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है ये हमें पता है सीओजीएस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा no इसके बाद आगे लिख रहा हूं देर फोर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्होंने दिया हुआ है वर्कआउट कर लिया सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड यह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया देन वी आर गोइंग टू एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एड विच इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स ओके देन वी आर गोइंग टू एड प्रॉफिट विच इज टेन परसेंट ऑफ सेल्स विल एड प्रॉफिट विच इज टेन परसेंट ऑफ सेल्स देयर फोर फ्रेंड्स सेल्स सेल्स एक साथ ले रहा हूं सेल्स माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेल्स माइनस जीरो पॉइंट टेन सेल्स परसेंटेज था ना इज इक्वल टू सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ओगे तो फ्रेंड्स जीरो पॉइंट सेवेंटी सेल्स क्योंकि वन माइनस जीरो पॉइंट ट्वेंटी माइनस टेन पॉइंट सेवेंटी आता है इज इक्वल टू सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड देयर फोर सेल्स इज इक्वल टू सिक्स लैख थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट सेवेंटी आंसर दो कितना आया चलो अब आंसर दो कितना आया सेल्स की फिगर आ गई है चलो आप आंसर दे दीजिएगा सेल्स का फिगर आ गया है एनीवन वन गॉट द आंसर फॉर सेल्स थाउजेंड ओके जी हां नाइन लाख ट्वेल्व थाउजेंड आगे आपका सेल्स ठीक है आगे लिख लेते हैं देर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय नाइन लाख ट्वेल्व थाउजेंड इसका भी आंसर देना एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ सेल्स सो नाइन ट्वेल्व थाउजेंड का टेन परसेंट हमने कंसिडर किया विच इज नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आप मुझे बता रहे हो वन लाख एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड वन लाख एटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड आई होप आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियर है ठीक है ये जो जुगाड़ हमने किया है ये आपको समझ में आ गया है बहुत ही खुंखार एडजस्टमेंट था अच्छा एडजस्टमेंट था आई uh, होप yes, आप लोगों को यह समझ में आ गया है So, अब मैं मेरा जो कॉशिटिट है वो कंप्लीट कर रहा हूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के सामने लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर छी ठीक है कितना है वो मैं लिख लेता हूं वर्किंग नोट नंबर वन वो प्रोडक्शन का था जो हमने ऑलरेडी दे दिया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ रहा है वन लैख एटी जी हाँ तो कॉस्ट ऑफ सेल जी हाँ सेल्स एक्स एजूम करके भी कर सकते हो हमने वही किया है सिर्फ एक्स के जगह पे सेल्स ही लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है कितना आ रहा है एट लैक्स ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड आई गेस और ये पर यूनिट लिखना रह गया है जानबूझ के मैंने नहीं लिखा है वन एटी टू फोर हंड्रेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट बताओ चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट बताओ चलो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल ऑलरेडी ऊपर लेस कर दिया है मटेरियल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ चलो कितना आएगा राहुल माहेश्वरी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है राहुल माहेश्वरी जी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट आ रहा है 24 क्यों पूछा क्यों पूछा मैंने क्योंकि ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइड करते वक्त सेल्स क्वांटिटी आपने कंसिडर किया और सेल्स क्वांटिटी कितना था 7600 समथिंग ऐसे कुछ तो भी सेल्स क्वांटिटी था यस 7600 वेरी गुड यानी गलती नहीं की आप लोगों ने इसके बाद आ, कितना ट्वेंटी फोर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके ट्वेंटी फोर ले लिया और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है फिर ट्वेंटी फोर और एटी फोर इज इट वन जीरो वर्किंग नोट नंबर टू इज ए रेफरेंस फॉर दैट प्रॉफिट नाइन्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड पर यूनिट कितना आएगा तो आई गेस ट्वेल्व रुपीज आएगा i've got the sales 912000 like, is my uh, sales and selling price per unit is 120 ji ha zabardast question friends समझ गया तो लाइक कर देना फ्रेंड्स अगर समझ गया तो लाइक कर देना फटाफट से अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स काफी सारे एडजस्टमेंट इसमें नए सीखे हमने वर्किंग प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट नया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का प्रॉफिट का ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये एक अलग था अगर समझ गया तो लाइक कर दीजिएगा समझेगा मुझे कितने लोगों को समझ में आ गया है ज देर एनी अदर डाउट एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे ये क्वेश्चन इज देर एनी अदर डाउट फ्रेंड्स इज देर एनी अदर स्पेसिफिक डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा आई एल एंसर दैट अदरवाइज विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैम्प क्वेश्चन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन को आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया क्वेश्चन नंबर फोर को आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया रिवीजन बिफोर एग्जाम अरे झेपा क्या सब लोगों को अब एक और खुंखार क्वेश्चन आ रहा है ठीक है एक और खुंखार क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव अगेन चैम स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर दे देगा क्वेश्चन नंबर फाइव पहले पढ़ते हैं अलग क्वेश्चन है रुकिएगा थोड़ा अलग क्वेश्चन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा है ये क्या ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा यानी क्या है देखते आपको समझ जाएगा मैंने ऐसा क्या बोला है क्यों बोला है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों है देखते द बुक्स ऑफ एच के सी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटीन डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींगी फाइव परसेंट ऑफ वर्क ओवर डायरेक्ट लेबर इज सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींग वन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क ओवर हेड पेज फटने तक अंडरलाइन करो वन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क ओवर हेड पेज फटने तक अंडरलाइन करो वन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क ओवर हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये

जी हा जल्दी बताइएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कोई मुझे बताएगा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लिया है और ये एक खूंखार एडजस्टमेंट है देखते कितना लोग आंसर दे पाते हैं अरे जल्दी से ओके okay, अंशिका गुप्ता जी इन्होंने आंसर दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है अच्छा दीपिका जी बोले उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लिया है सीओजीएस में कुछ लोग बोल रहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है एकदम बराबर है एकदम बराबर है सीओ जी एस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसि हम लोग कब कंसिडर नहीं करते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसि जनरल है फ्रेंड्स आप सैल्यूट रिस्पेक्ट टू यू यस यूजीएस में इंक्लूड नहीं है यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है जनरल है वो कहां पे आएगा बाद में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो हम लोग कंसिडर करेंगे वेरी गुड जनरल है क्या बात है आप एकदम बराबर आइडेंटिफाई कर लिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को तोड मालिक आगे देन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हैव गिवन मटेरियल का दिया वर्किंग प्रोग्रेस का दिया एंड फिनिश गुड्स का दिया हुआ है okay, so, कोई प्रॉब्लम नहीं है पिछले क्वेश्चन में तो भी आ, दिक्कत था ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा सिंपल पॉइंट ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का रूपीज टर्म्स में अमाउंट दे दिया है जनरली हम लोग बाकी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइन करते थे जनरली बाकी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड करते थे कैसे फाइंड करते थे प्रोडक्शन की कॉस्ट अपन प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ठीक है चलेगा इसके बाद ओके uh, uh, okay, आगे दिया है देखो जनरल सेलिंग एक्सपेंसिस दिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस दिया जनरल आपने जो आंसर दिया वो एकदम बराबर दिया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस इसीलिए सीओजीएस में वो कंसिडर नहीं हुआ तोड़ मालिक

ये फिगर आपको फाइंड करनी है यह फिगर दिया नहीं है इन्होंने इसलिए मैंने आपको क्या बोला तारक मेहता का उल्टा चश्मा नीचे से ऊपर जाना है नीचे से ऊपर जाना है अरे हाँ या ना नीचे से ऊपर जाना है क्योंकि आपको मटेरियल पूछा है ठीक है तो जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा रहता है फ्रेंड्स आपको क्या दिया है सीओजीएस दिया है मालिक और आपको यह स्टेप तक पहुंचना है तो नीचे से ऊपर जाना है क्वेश्चन आपको उल्टा लिखना है क्वेश्चन आपको उल्टा लिखना है जब आप उल्टा लिखेंगे ना तो ऐड वाले लेस, होएंगे और लेस वाले होएंगे। अरे समझा क्या अरे समझा क्या आपको नीचे से ऊपर जाना है तो जो आइटम ऐड किए थे वो लेस करने पड़ेंगे जो आइटम आपने लेस किया था वो आपको ऐड करना पड़ेगा ठीक है सो so, अपना फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहे हैं हम लोग सीओजीएस से हम लोग परचेस पे जाएंगे और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है अगेन कॉस्टशीट आपको पूछा है एंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट जी हाँ आपको फिर वापिस से शीट प्रिपेयर करना है आपका टाइम स्टार्ट हो गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा कीजिएगा आपको सीओजीएस दिया है ऊपर जाइएगा बस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे फोकस कीजिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल है इन्होंने यहाँ पे वो नहीं किया रहेगा वो नीचे आया था तो सीओजीएस से ऊपर जाइएगा देखते हैं कितना लोग मुझे बता पाते हैं रैंक मटेरियल स्टूडेंट है जो ये आंसर दे पाएगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर देखते हैं कितना लोग आंसर दे पाते हैं सीओजीएस से ऊपर जाइए जो एड किया था वो लेस करेंगे जो लेस किया था वो आपको एड करना है आपका टाइम स्टार्ट हो गया आई गिव ओनली फाइव मिनट मैं आपको सिर्फ पांच मिनट दे रहा हूं मटेरियल परचेसेस फाइंड करने के लिए अब अगला अगला आंसर आपका रहेगा अगला आंसर आपका रहेगा आई एम नॉट गोइंग टू गिव आंसर मटेरियल परचेसेस की फिगर ओके क्वेश्चन ओपन कर दीजिएगा ओके okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है यस yes, आपके सामने है क्वेश्चन चार मिनट बाकी है आल वेट फॉर ओनली फाइव मिनट्स मुझे फाइव मिनट्स में चैम चाहिए उसमें से एक मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया है आई वॉन्ट दैट चैम स्टूडेंट हु कैन आंसर मी मटेरियल परचेसेस कितना है जल्दी है फ्रेंड्स वी आर जस्ट ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यह स्पीड नहीं चलेगा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सत्तर हजार क्या है सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्या है दिया है ना सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्या है सेल्स दिया है ना सेवेंटी फाइव थाउजेंड और मुक्ता जी सी ऊपर दिया हुआ है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड है एंड सेल्स इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड राहुल माहेश्वरी जी इन्होंने आंसर दे दिया है थर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड मैं आपको बता दूं राहुल जी राहुल जी आप बहुत क्लोज हो राहुल जी आप बहुत क्लोज हो बहुत क्लोज हो आंसर आपका गलत है लेकिन आप बहुत क्लोज हो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लीजिएगा अगर कुछ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया वो आप चेक कर लीजिएगा दर्शन मंत्री दर्शना मंत्री ओके आई एम सॉरी यस दर्शना जी थ्री सिक्स फाइव जीरो अच्छा थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड दीपिका सिंह जी रॉ मटेरियल कंज्यूम थर्टी थ्री थाउजेंड okay, नाइन हंड्रेड ओके थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड okay, ओके दीपिका जी आई वांट आंसर रॉ मटेरियल परचेसेस आपने ये बराबर आंसर दिया है परफेक्ट है कंज्यूम का आंसर एकदम बराबर है थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड आई वॉन्ट आंसर फॉर परचेसेस वो ट्राई करो एक बार आपका ये बराबर है हंड्रेड वेरी गुड दीपिका जी थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ठीक है बाकी लोग आंसर दो चलो जल्दी जल्दी बाकी लोग आंसर दो जिन लोगों का आंसर आ रहा है वीडियो को लाइक करते चलिएगा दीपिका सिंह जी थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड दर्शना मंत्री जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड दो लोगों का तो डिस्कस करूंगा अदरवाइज बाकी कॉपी पेस्ट करते बताएंगे मुझे रजनी जी फोर्टी फोर हंड्रेड है थर्टीज में कुछ आंसर है एक बार आप चेक कीजिएगा दीपिका आचलिया जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ओके अंशिका गुप्ता जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ओके देखते ना राहुल बाघेल जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है पदमा बावरी जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर है चलो चलो चलो, चलो जल्दी अरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हो फटाफट करो अरे तोड़ मालिक जल्दी करो मुक्ता जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड है जिन लोगों का थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर आया एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है जिन लोगों का थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड आंसर आ गया एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है मुक्ता जी थर्टी सिक्स 36,500 फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड राहुल जी थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड अंशिका जी थर्टी दीपिका जी अगेज लास्ट वन मिनट देन विल स्टार्ट आंसर देन आई विल स्टार्ट आंसरिंग एक मिनट अगर किसी को आंसर देना है और चैम बनना है देखते कितना लोग आंसर दे पाते हैं नैनेश्वर नैनेश्वर जी थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड माय गॉड अंशिका जी गुप्ता प्रॉफिट पे आ गए यानी फाइनल आंसर देने लग गए थर्टीन थाउजेंड ओके चलिएगा लास्ट हाफ मिनट जिन जिन लोगों को चैम बनना है आंसर देना है जल्दी से आंसर दीजिएगा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर सिर्फ कॉपी मत कीजिएगा ट्राई कीजिएगा गलत हुआ तो भी चलेगा हम लोग सीखी तो रहे मटेरियल परचेज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड हर्षा जी शिवम कोर्डे जी मटेरियल परचेज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड प्रॉफिट इज थर्टीन थाउजेंड ओ हो हो शिवम जी चलेगा टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री क्यू वन एंड टाइम अप ओके सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जिन लोगों ने थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर दिया है वो सारे लोगों का आंसर गलत वो सारे स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं करेक्ट है थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज एब्सोलूटली करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आई एम रियली इंप्रेस्ड विथ योर आंसर ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट से ज्यादा स्टूडेंट लोग वही आंसर दे रहे जिन लोगों का प्रॉफिट भी करेक्ट है आंसर जिन जिन दिया ऑलमोस्ट नाइंटी एट नाइन्टी नाइन परसेंट एक दो स्टूडेंट का कैलकुलेशन मिस्टेक छोड़ दिया बाकी सारे स्टूडेंट यू कैन चेक दैट थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका मटेरियल परचेस आ रहा है तोड़ मालिक सुपर ठीक है जिन जिन लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है भाई लाइक कर दीजिएगा चलेगा फटाइट से फेयर में करते हैं अभी जिन लोगों को आंसर नहीं आया है दिक्कत आया है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया है अब आप चेक कर लीजिएगा स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल परचेस्ड स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल परचेस्ड जी हाँ सर स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल परचेस्ड टैक्स है अभी पर्टिकुलर अमाउंट हम लोगों को स्टार्ट करना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा नीचे से ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ले लिया सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सक्लूडिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000 है चलेगा फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर सीओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर आता है क्लोजिंग स्टॉक वहां पे लेस किया था मैंने बोला था जो लेस किया था वो ऐड करना पड़ेगा ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है आपका नाइनटीन थाउजेंड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600 17,600 आई सिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एन यून गॉट द आंसर फॉर दिस प्रोडक्शन कॉस्ट जल्दी से आंसर बता दीजिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 57 400, okay, answer देते रहिएगा. तो administration overhead तो अभी यहाँ पे हम लोगों को consider नहीं करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल था और सीओजीएस में भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उन्होंने कंसिडर नहीं किया था तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं आएगा इसके ऊपर फिर वर्क इन प्रोग्रेस वाले पार्ट पे चले जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस जी हाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस दे हैव गिवन फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट पब्लिक वर्क्स कॉस्ट यह आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट पब्लिक वर्क्स कॉस्ट जी हाँ, चेक कीजिएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट कितना है एनीवन इन गॉट द आंसर फॉर दिस फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है आर यू श्योर सिक्सटी वन फोर हंड्रेड सो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड उसके ऊपर था फैक्ट्री ओवरहेड एड किया था तो यहां पे लेस करना पड़ेगा जी हाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में चेक किया आ, फैक्ट्री ओवरिक वर्क ओवर रेड यहां पर कुछ स्टूडेंट अटक गए ये आंसर नहीं आया इसके वजह से कुछ स्टूडेंट ये आंसर नहीं आया इसके वजह से कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाए चलिएगा आंसर दीजिएगा जल्दी बताइएगा फैक्ट्री ओवर में कितना कंसीडर करूं इज इट टेन थाउजेंड फैक्ट्री ओवर आया ये कैसे कैसे पता चला टेन थाउजेंड ये इंपॉर्टेंट लाइन था देखिएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सत्रह हजार पांच सौ है जो वर्क ओवरहेड का वन सेवेंटी फाइव परसेंट है ठीक है फ्रेंड्स लेबर कॉस्ट इन्होंने दिया सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये लेबर कॉस्ट जो है वो वन सेवेंटी फाइव परसेंट है और वर्क ओवरहेड ठीक है तो ये इक्वेशन अगर आप सोल्व करेंगे वर्क ओवरहेड एक साइड में रख दीजिएगा वन सेवेंटी फाइव परसेंट से डिवाइड कीजिएगा आपको जो आंसर बन रहा है वो आंसर बन रहा है टेन थाउजेंड वापिस बताता हूं आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट uh, एडजस्टमेंट था इन्होंने लेबर कॉस्ट बोला सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बींग वन सेवनटी फाइव परसेंट ऑफ वर्क ओवर तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू वन सेवन ऑफ वर्क ओवर तो वर्क ओवर फैक्ट्री ओवर प्रोडक्शन ओवरहड मैनुफेक्चर ये एक साइड में रख दिया मैंने और 17500 डिवाइडेड बाय 175 परसेंट ठीक है आपका आंसर आ रहा है 10000 सो so, ये लिख लेना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है 17500 डिवाइडेड बाय 175 परसेंट तो so, दस हजार आपका आंसर आ गया चलेगा काफी सारे लोगों ने बराबर आंसर लाया था इसका आ, ये आपको लेस करना है तो यह आ गया आपका प्राइम कॉस्ट मालिक या आ गया आपका प्राइम कॉस्ट जी हाँ प्राइम कॉस्ट आ गया फिफ्टी वन फोर हंड्रेड ऑब्वियसली दस हजार लेस कर दिया तो फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड आई गेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया नहीं है डायरेक्टली लेबर दिया है तो माइनस डायरेक्ट लेबर हाउ मच इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इट्स गिवन सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बस एक ही पॉइंट रहेगा आपका मटेरियल कंज्यूम आपका जो मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है वो कितना एनी वन गॉट द आंसर मटेरियल कंजम्पशन थर्टी थ्री नाइन हंड्रेड ओके सो थर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है अब हमें मटेरियल परचेजेस पे जाना है जो ऐड किया था वो लेस करेंगे जो लेस किया था वो ऐड करेंगे Add closing stock of material. Yeah, add closing stock of material and closing stock of material they have given 10,600 minus opening stock of material. Yeah, opening stock of material is 8,000. तो फ्रेंड्स परचेसेस आ गया थर्टी कितना था परचेसेस कितना आंसर दिया थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फ्रेंड्स आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा रिवर्स वर्किंग करके आपने कंप्लीट किया

Uh, सिर्फ आपको अभी तीन मिनट है क्वस्टशीट प्रिपेयर करने में आई एल नॉट वेट फर्दर मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं वेट कर सकता हूं और अगर किसी को डाउट रहेगा ये कैलकुलेशन में तो आप वो डाउट दैट बाकी लोग क्स्ट शीट बनाना स्टार्ट कर दो तेरह हजार का प्रॉफिट आ रहा है सिक्सटी टू थाउजेंड का टोटल कॉस्ट आ रहा है गेस और अगर किसी को डाउट है पूछिएगा अदरवाइज बाकी लोग स्टार्ट कर दो कॉश शीट प्रिपेयर करने में फटक से पूरा बनाना पड़ेगा कॉश शीट कुछ लोग बोल रहे सर सीओजीएस से शुरुआत करें क्या सीओजीएस से क्यों शुरुआत करेंगे एक ही मार्क देंगे आपको सिर्फ पांच में से चलो जल्दी बहुत कम टाइम वेट करने वालों में और अगर कुछ डाउट है तो पूछते रहिएगा इन बिटवीन जी हाँ 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 थाउजेंड का आपका प्रॉफिट बन रहा है चलेगा गेस आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो चुका है थर्टीन थाउजेंड का प्रॉफिट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड हम लोगों ने नीचे कंसिडर किया क्योंकि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरेड था यस yes, कंप्लीटेड चलिए अगर नहीं हुआ है तो अभी आप बाद में कर लेना फ्रेंड्स क्योंकि अभी कॉस्टशीट तो काफी सिंपल था वर्कआउट करने में सो फ्रेंड्स कंफर्टेबल आ रहा है लग रहा है कुछ तो बताओ जी हाँ कंफर्टेबल फ्रेंड्स क्योंकि काफी सारे आंसर तो आप खुद लोग दे रहे हो ठीक है मैं आप पे रिलाय कर रहा हूँ आंसर के लिए काफी सारे स्टूडेंट खुद से आंसर दे रहे हो परफेक्ट सर चलेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फॉर होमवर्क पहले तो आप क्वेश्चन नंबर सिक्स होमवर्क लीजिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्स आप होमवर्क लीजिएगा जी हां क्वेश्चन नंबर सिक्स आप होमवर्क कीजिएगा और कल जैसा मत कीजिएगा होमवर्क करो फ्रेंड्स सेप्ट क्लियर होएंगे आपके और खुद से जब करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होते हैं राइट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स ये आपके लिए होमवर्क है और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पूरा जो क्वेश्चन है वो ये एक लाइन पे बनेगा पूरा क्वेश्चन जो है वो एक लाइन पे बनेगा एडजस्टमेंट नंबर ई पे ये पूरा क्वेश्चन बनने वाला है प्रॉफिट सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी पर यूनिट दिया है प्रॉफिट 750 पर यूनिट दिया है एंड 15% परसेंट ऑफ सेल्स है तो प्रॉफिट जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वेजेस आर थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच इज वन परसेंट ऑफ वर्क ओवर ऐसे कुछ तो भी बोला था तो इससे हम लोगों ने वर्क ओवरहेड फाइंड किया यहां पे आपको दिया हुआ है प्रॉफिट प्रॉफिट इज 750 हंड्रेड एंड विच इज फिफ्टीन ऑफ सेल्स तो आपको पता चल गया रहेगा कि मुझे क्या फाइंड करते आएगा इससे मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या हासिल होएगा ये जो पॉइंट है इसे जब तक ये पॉइंट आप नहीं कंप्लीट करेंगे बाकी आपको कुछ भी नहीं करते आएगा ठीक है ना तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे काफी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स चलेगा आगे बढ़ते हैं रिप्लाई नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स बहुत स्लो हो चुके हो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आगे करने का ना एक क्वेश्चन और एक है आपने पास काफी सारा टाइम है और दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं दो तो भी एक्टिस हो ही सकता है क्या बोलते हो बहुत थक गए क्या पहला लेक्चर है आज कल समझ सकता था लास्ट लेक्चर मैंने लिया था चलेगा करना है हमें यस वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन सर yes, करेंगे हाउ इज द जोश करेंगे यस yes, ऑब्वियसली करेंगे फ्रेंड्स अभी तो इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ है अभी तो आंसर आना स्टार्ट हुआ है मंजिल अभी बाकी है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइएगा इन अ फैक्ट्री टू टाइप ऑफ आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ ईच वराइटी

पेज फटने तक अंडरलाइन कीजिएगा अगर आपने प्रिंट आउट निकाला रहेगा ना तो पेज फटने तक अंडरलाइन कीजिएगा इसको या फिर आपके पास अगर बुक्स आ गया रहेगा बाद में आप ये लेक्चर देख रहे हो पेज फटने तक अंडरलाइन करो वर्क ओवरहेड आर परसेंट ऑफ वर्क ठीक है ऑफिस ओवरहेड इज टेकन एट ट्वेंटी परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट इसको भी पेज फटने तक अंडरलाइन करो इसको भी पेज फटने तक अंडरलाइन करो ऑफिस ओवरहेड इज टेकन एट ट्वेंटी परसेंट ऑन टोटल कॉस्ट जी हां नेक्स्ट पॉइंट आपने 180 एटी क्वांटिटी ऑफ ए सोल्ड एट 1200 एंड 200 हंड्रेड ऑफ बी सोल्ड एट 1500 हंड्रेड इच सच में बताता हूं चैम्प स्टूडेंट रहेगा जो इसका आंसर देगा आई नो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फ्रेंड्स ट्रिकी पॉइंट दो है इसमें वर्क ओवरहेड फोर्टी परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट ऑफिस ओवरहेड ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ठीक है मैं सिर्फ एक हिंट आपको देना चाहता हूं सपोज यह आ गया आपका प्राइम कॉस्ट ध्यान से सुनिएगा ध्यान दीजिएगा आजू बाजू जो चल रहा है उसको इग्नोर करो यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा फ्रेंड्स आगे आपका प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया मैंने फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में मैंने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम लोग वर्क ओवरहेड भी नाम दे सकते हैं यह आएगा आपको वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट ये आएगा हमारा वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक दिक्कत है ये जो फैक्ट्री ओवर है या वर्क ओवर है ये कितना परसेंट है वर्क कॉस्ट के फोर्टी परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट है हमें तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा मटेरियल का कॉस्ट है लेबर का कॉस्ट है मटेरियल आएगा लेबर आएगा मटेरियल लेबर करके प्राइम कॉस्ट आ जाएगा तो कॉस्ट शीट बनाते वक्त पहले वर्क ओवरहेड आता है उसके बाद प्राइम कॉस्ट में वर्क करने के बाद टोटल वर्क कॉस्ट आता है अब आपको कुछ जुगाड़ करके आंसर लेके आना है आपको जुगाड़ करके आंसर लेके आना है ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में वही दिक्कत है फ्रेंड्स सपोज इसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया और ये आएगा मेरा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया नहीं। अगर आप देखेंगे तो, तो जुगाड़ किया था वो, एक को, एक करके, कुछ तो भी किया था देखते हैं वो लॉजिक आप अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते है क्या ए और बी का मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताइएगा चलो आपका टाइम स्टार्ट हो गया पांच मिनट है आपके पास आपको सॉल्व करना है फटेक्से सॉल्व कीजिएगा ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बस ये दो पॉइंट आप संभाल लीजिएगा ये दो पॉइंट अगर आपको आ गया तो आराम से आप आंसर ला सकते हैं वो जल्दी से लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड टू लैक्स ऐसे कुछ तो भी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड टू लैक्स

फिफ्टीन वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड टू लैक्स ऐसा जो आपका आंसर आ रहा है वो एक बार आप चेक कीजिएगा वर्क कॉस्ट है क्या एक प्रॉफिट ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड है ठीक है आगे आंसर देते रहिएगा खुद से सॉल्व करना है फ्रेंड्स ओके मोहित जी यस इट्स वर्क कॉस्ट मोहित जी आपका आंसर कहाँ पे है करते रहिएगा फ्रेंड्स वर्क्स कॉस्ट ऑफ ए वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके 28,500 एंड 50,000 प्रॉफिट आ रहा है अंशी का जी इनका फैक्ट्री ओवर एड सिक्स थाउजेंड एंड 60,000 थाउजेंड 80,000 शुभम जी ठीक है पी का अचलिया अच्छा जी बोल रहे सिक्सटी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड ठीक है सिक्सटी थाउजेंड एंड एटी थाउजेंड फैक्ट्री ओवरेट्स का अमाउंट बता रहे हो मुक्ता जी बता रहे वन लाख एटी सेन एटी सेल्स है क्या अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स है मुक्ता जी वन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू लाख फिफ्टी थाउजें कॉस्ट ऑफ सेल्स बता रहे हो ओके okay, दुर्गा जी आंसर दे रहे वन लाख फिफ, फिफ्टी ए, वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ऑफ एन लाख फिफ्टी थाउजेंड वर्क कॉस्ट ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन का फोटो आप ले लेते जाइएगा अगर आपके पास वो आपने डाउनलोड नहीं किया तो से क्वेश्चन का फोटो लेते जाइए क्योंकि मैं आगे लिखना स्टार्ट कर देता हूं कभी कभी तो आपको वो रह जाता है ओके सो मटेरियल कॉस्ट है थर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड लेबर का कॉस्ट है सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड तो फ्रेंड्स आपका जो प्राइम कॉस्ट आ रहा है वो प्राइम कॉस्ट बन रहा है नाइन्टी थाउजेंड एंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड विधि जी विधि जी ने आंसर दिया ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड एंड प्रॉफिट दिया है फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी एट फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है चलेगा शुभम जी ऑफिस ओवर 37,500 थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड ठीक है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड बहुत बराबर है हर्षा जी भरपूर करेक्ट आंसर है दुर्गा जी भरपूर करेक्ट आंसर है दीपिका जी एकदम करेक्ट आंसर है चैंप हो गए आप लोग तोड़ मालिक चलेगा फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड कितना बोला है फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड कितना बोला है तो 40 परसेंट ऑफ वर्क्स कॉस्ट इसका 40 परसेंट है ठीक है तो फ्रेंड्स जैसे वो हम लोगों ने वो सेल्स फाइंड किया था वैसे कुछ इक्वेशन जुगाड़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स आई एम रियली इंप्रेस एवरी वन इज गिविंग मी करेक्ट आंसर रियली इंप्रेस्ड बिंदु जी विधि जी शुभम जी हर्षा दुर्गा मुक्ता जी एवरी वन दीपिका जी एवरी वन इज गिविंग मी करेक्ट आंसर परफेक्ट है तो फ्रेंड्स एक सिंपल मैंने वर्किंग नोट दे दिया वर्किंग नोट नंबर वन वर्क ओवर हेड इज इक्वल टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवर हेड इज इक्वल टू वर्क्स वर्क वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवर हेड देर मैं ए प्रोडक्ट का पहले देख लेता हूं वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट इन्होंने दिया हुआ है नाइंटी थाउजेंड प्लस वर्क ओवरहेड कितना दिया है फोर्टी परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट देर फोर जीरो पॉइंट सिक्सटी ऑफ वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू नाइनटी थाउजेंड देर फोर वर्क कॉस्ट आपका आ गया वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है समझ गया तो लाइक कर देना बॉश समझ गया तो लाइक कर देना वही अगर मैं बी का कैलकुलेट करता हूं तो वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फोर्टी परसेंट ऑफ वर्क कॉस्ट देर फोर ये वर्क कॉस्ट में से जीरो पॉइंट फोर्टी ऑफ वर्क कॉस्ट चला गया तो बचेगा जीरो पॉइंट सिक्सटी ऑफ वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड

ओके okay. अब रह गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये अगर कैलकुलेट करना है तो वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट है ठीक है तो सेकेंड सेम इक्वेशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड

उसेंड फाइव हंड्रेड टोटल कॉस्ट आ गया वन लैक एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ऑब्वियसली थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आ गए इसके बाद अगर मैं बी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो बी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो आपका वर्क कॉस्ट है वो थ्यू लैक्स है प्लस जीरो पॉइंट ट्वेंटी ऑफ टोटल कॉस्ट

सेल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किए आप लोग 180 इनटू 1200 180 इनटू 1200 आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख 16000 उसमें से 1 लाख 87500 लेस कर दिया मैंने तो 28500 एंड इन द सेकंड केस सेल कितना दिया हुआ है 1500 इनटू हंड्रेड पंद्रह सौ क्ंटिटी इं टू हंड्रेड क्वानिटी आंसर कम्स टू थ्री लैक्स तो प्रॉफिट बन गया आपका फिफ्टी थाउजेंड यस सर एवरीवन तो ये एडजस्टमेंट हमने आज ही सीखा था वो सेल्स कैसे फाइंड किया था तो कॉस्ट ऑफ सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वो फॉर्मूला हमने याद रख के ये कुछ हम लोगों ने वर्कआउट किया तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पांच मार्क्स के लिए आने का चांसेस है ये क्वेश्चन अगर आएगा तो पांच मार्क्स के लिए आएगा एंड ठीक है एंड फ्रेंड्स मैं जब बोलता हूं तब वो एग्जाम में आता है मेरा काला जबान है ठीक है तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा आने के चांसेस है ये क्वेश्चन पांच मार्क्स के लिए आएगा बहुत ही कम एडजस्टमेंट थी इसमें मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कुछ डाउट रहेगा तो बोलिएगा और अगर कंप्लीट हो गया तो भी इन्फॉर्म कीजिएगा सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से करेक्ट था यस आई हैव सीन दैट मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे मैक्सिमम स्टूडेंट यू कैन चेक द आंसर सारे के सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर दिए मुझे यह क्वेश्चन का तो एक भी गलत आंसर नहीं दिखा वर्किंग नोट देना पड़ेगा दुर्गा जी वेरी गुड वर्किंग नोट देना पड़ेगा Complete sir, okay. Very good. क्वेश्चन नंबर नाइन आपको एक और होमवर्क करना है एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन पहले ही मैंने वहां पे लिख दिया था ये होमवर्क करना है राघव जी क्वेश्ची के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए देखिएगा ये एग्जाम का क्वेश्चन है आई गेस क्वेश्चन नंबर टेन या इलेवन कौन सा तो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था या ट्वेल्थ ओके ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया था हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे ना कितना टाइम लगना चाहिए कितना टाइम आप लेते हो पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक का क्लियर रखते हैं देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको बताएगा कि कितने टाइम में आपने कंप्लीट करना चाहिए राइट फ्रेंड्स सो सबसे पहले तो uh, क्वेश्चन नंबर नाइन भी आप होमवर्क ले रहे हो कौन से दो होमवर्क के बताइएगा कौन से दो क्वेश्चन होमवर्क के बताइएगा मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिया है पहली बार ऐसे हुआ है कि दो क्वेश्चन होमवर्क दिया है एक क्वेश्चन नंबर नाइन है और उसके पहले कौन सा क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर नाइन ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर नाइन इज फॉर होमवर्क सो कल स्टार्टिंग में जल्दी से हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे देन आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कल कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं राइट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड नाइन इज फॉर होमवर्क जी हां क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर नाइन इज फॉर होमवर्क ठीक है सो थैंक यू वेरी मच सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर ऑल और अभी डाउट सेशन स yes, कल क्लास है मेरा मॉर्निंग में क्लास है मेरा यस yes, कल क्लास है थर्टी फर्स्ट क्लास है भाई छुट्टी नहीं है वैसे सुबह क्या आप सेलिब्रेशन करने वाले हो सुबह थोड़ी नाचने वाले हो ठीक है कल है क्लास थर्टी फर्स्ट सेलिब्रेशन करना तो वो इवनिंग में करना बॉस एक तारीख को सुबह छुट्टी दे दूंगा So, कल लेक्चर है थर्टी फर्स्ट को एट ओ क्लॉक कल अपना लेक्चर रहेगा ही रहेगा जी सर कल लेक्चर है बॉस कल आठ बजे जुड़ जाना और कल शायद लॉ का लेक्चर नहीं है राइट फ्रेंड सर ने बताया था कि थर्टी फर्स्ट और वन को ऐसे कुछ तो भी लेक्चर नहीं तो शायद मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकूं सो दैट वी कैन सोल्व मोर क्वेश्चन टुमारो तो लॉ का लेक्चर नहीं ना एक बार कंफर्म करो शायद दर्शन सर ने दर्शन खरे सर ने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था स्केड्यूल में थर्टी फर्स्ट और वन को शायद उनका लेक्चर नहीं है ओके okay, तो अगर उनका लेक्चर नहीं तो हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे कल कल और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे राइट right, फ्रेंड चलो आज का अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बताइएगा बाकी लोग ब्रेक ले लीजिएगा लॉ का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपका उसके पहले कुछ ब्रेक ले लेंगे तो अगर किसी को आ, डाउट है तो डाउट पूछते रहिएगा सो so, अगर आपको लग रहा है लेक्चर हेल्प कर रहा है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ठीक है लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं प्लीज उनको बताइएगा सीक्वेंस में देखिएगा अगर आप सेवेंथ और एट लेक्चर डायरेक्टली देखेंगे तो वो नहीं समझेगा मुझे गालियां देंगे तो बेटर सिक्वेंस में देखिएगा ठीक है सो लाइक एंड शेयर करते चलिएगा सारे लेक्चर्स को और कमेंट अगर कुछ रहेगा तो बोलिएगा और कुछ आपको डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो जल्दी से बताइएगा फटैक से जल्दी इज देर एनी डाउट फ्रेंड्स दो क्वेश्चन होमवर्क करके आना और दीपिका जी मैं ये लॉ अकाउंट्स और कॉस्ट में गैप का कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको जी हाँ अगर डाउट है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो सेवन डबल एट सेवन सेवन डबल एट सेवन ज़ीरो सिक्स व्हाट्सएप नंबर है बिल्कुल जी हाँ सेल्फ स्टडी आपको हार्डली फिफ्टीन ट्वेंटी आधे घंटे में तो पूरा हो ही जाएगा और होमवर्क जो दिया है, वो होमवर्क कर लेना तो होमवर्क इसीलिए दे रहा हूं सो so देट आपका सेल्फ स्टडी भी हो जाए और जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट किए हैं उतना सिर्फ देखना है आपको जी पूजा जी फास्ट ट्रैक में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मोर देन टू फिफ्टी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व किए हैं फास्ट ट्रैक बैच में इज देर एनी अदर डाउट आई डोंट नो अनुजा जी आज लॉ का है या नहीं है आप एक बार चेक कीजिएगा स्केड्यूल क्या है हम लोग कल की बात कर रहे थे कल लॉ नहीं है थर्टी फर्स्ट को लॉ नहीं है तो थर्टी फर्स्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे ऐसा मैंने इन्फॉर्म किया था सो फ्रेंड्स आई गेस आप लोगों का डाउट अगर नहीं है तो मैं साइन आउट करता हूँ थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो एट एट ओ क्लॉक होमवर्क करके आइएगा रजनी जी मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट ऑफ वीक से आपको डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा ये जो बुक्स है वो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से डिस्पैच स्टार्ट होएगा एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी सॉरी सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो है उससे आपको बुक्स डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है

द नेक्स्ट लेक्चर मॉर्निंग एट ओ क्लॉक टुमारो कल लेक्चर है छुट्टी नहीं है